चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा छठवीं की विज्ञान को देख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना ये हमारी लास्ट बुक है कक्षा छठवीं की, क्योंकि इससे पहले हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 देख चुके हैं, हमारा अतीत फर्स्ट देख चुके हैं, पृथ्वी हमारा आवास है इसे भी देख चुके हैं। ठीक है, विज्ञान में हम लोग अभी तक 9 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम लोग 10वें चैप्टर के बारे में, गति एवं दूरियों का मापन। मैं बार बार आप लोगों से वही कहूंगा कि दिमाग पर जोर मत लगाइए। कक्षा 8वीं तक की जो भी आपकी NCERT की किताबें हैं, बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई हैं, सिंपल शब्दों में। अगर एक बार आप अच्छे से सुनोगे तो मैं इतना कहता हूँ कि 80 से 85% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और दूसरी बार जब आप पढ़ोगे या सुनोगे तो पूरा 99% 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पहले आप सुनिए ध्यान से, लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या है, इस अध्याय का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, बाद में, तो इतना दिमाग मत लगाइए। गति एवं दूरियों का मापन। पहली तथा बुजुर्ग कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पितृ गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चल रहे थे और प्रयोग भी किए गए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्षयान द्वारा किया गया है। इसी बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर की यात्रा कैसे करते थे। बात करते हैं यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, वे पैदल चलते थे तथा अपने सामान अपनी पीठ पर लादकर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नाव जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सादृश्य थी, जैसा कि आपने अध्याय 8 और 9 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा की थी, उसे याद कीजिए। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाजों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से 40 सवारी गाड़ियां एवं मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में वायुयान का विकास हुआ जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हीं यात्रियों और सामान ले जाने योग्य बनाए गए हैं। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, पराधुनिक वायुयान, अंतरिक्षयान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान रहे हैं हमारे। ठीक, देखिए ये आपकी साइकिल हो गई, ये वायुयान, ये आपकी नाव, ये आपकी बैलगाड़ी, बस और रेलगाड़ी। परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए चित्र 10.1 में इन्हें प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन है भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता है?
देखिए, लगभग सभी को लाया जाता है, ठीक है? बात करते हैं यह डेस्क कितना चौड़ा है। लोग यह कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूरी दूर चले हैं? आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? जब आपको कुछ खरीदना होता है, तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? कोई स्थान कितना दूर है, यह प्रयास जानने का महत्वपूर्ण होता है, जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सके कि वहां पहुंचने के लिए हमें कैसे जाएंगे, पैदल, फिर या बस से, या फिर रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, या फिर वायुयान से, या कोई अंतरिक्ष यान से। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहेली तथा बूजों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठे हैं। पहेली तथा बूजो एक डिस्क पर साथ साथ बैठे हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उनका उसका दूसरा साथी डिस्क के अधिक भाग पर का उपयोग कर रहा है। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डिस्क की लंबाई मापने का निश्चित किया। डिस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डिस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। ये दोनों भी अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन थे। बूजो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और डंडा रखता है। गिल्ली डंडे से डिस्क की लंबाई आपने देखा होगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं, और फिर शायद शहरी क्षेत्र की अगर आपने गिल्ली डंडा खेला है तो उसमें डंडे से लंबाई नापी जाती है या फिर गिल्ली से लंबाई नापी जाती है, ठीक है? तो इसी तरह हुआ इसमें। उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डिस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया। ऐसा लगता है कि डिस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डिस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों को आधा आधा डिस्क मिल गया है, जिसमें डिस्क का आधा भाग है लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया। अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डिस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं। अब जब डिस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई, तब डिस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डिस्क का कुछ भाग बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? आप पहेली और बूझो को क्या सुझाव देंगी ताकि वे डिस्क की पूरी लंबाई माप लें? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है? वह एक कार्य कर सकते हैं। एक छोटी सी डोरी लें और इस पर दो चिन्ह लगाएं। यह डोरी का की एक लंबाई होगी। वे डिस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं? वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा 1/2, 1/4 अथवा 8वां भाग 1/8 कर सकते हैं। अब संभवतः पहली तथा बूझो डिस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। क्या सकते हैं? माप सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामिति बॉक्स के पैमाने को उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। बूझो ने यह पढ़ा कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे। वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बड़ाई किसी अलमारी की लंबाई चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस लंबाई अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी।
किसी किसान को अपने खेत की लंबाई, चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह जान सक जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है, उसे अपनी फसल के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर हो। यह कैमरा कितना लंबा है, यह डिस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूरी पर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित हैं। दो स्थान मेज के दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक होगा। कुछ मापन अभी एक क्रियाकलाप दिए गए, एक प्रयोग करके आपको बताया जाएगा। ध्यान से पढ़ते रहिए, इतना भी कठिन नहीं है कि समझ में ना आए। आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक माप मात्रक मानकर अपनी कक्षा में के कमरे की लंबाई चौड़ाई मापी। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले की बात ही अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। क्रियाकलाप दो, समूह में कार्य कीजिए। आप में से प्रत्येक अपने वल बालिस्त को मापने मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डिस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। इस प्रकार मापन के लिए यहां भी यह आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक वालिस्त के बराबर लंबी डोरी, इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होगी। हम देखते हैं कि मापन कर किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को हम लोग मात्रक कहते हैं। देखिए इस ज्ञात निश्चित राशि को क्या कहते हैं, हम लोग मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में विभक्त व्यक्त किया जाता है, एक भाग संख्या, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप एक में यदि कक्षा की कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है और पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के सभी माप बराबर हैं? क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी वालिस्तों में से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपके नापने में आपके जो वालिस्त है किसी के छोटे हो सकते हैं, किसी के बड़े, क्योंकि आपकी वालिस्त में की लंबाई में आपको मित्रों की वालिस्तों से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने वरिष्ठों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप की किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए वरिष्ठ अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। अब बात करते हैं मापन के मानक मात्रक। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग, उन्होंने अवश्य लंबाई बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। आपने गांव में भी देखा होगा लोग एक हाथ मापते हैं, ठीक है, हाथ से कभी लकड़ी की लंबाई मापते हैं कभी चुई, ठीक है। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न है। लोग एक गज कपड़ा फैली वाहे के सिरे से अपने
थोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्प हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई की मात्रा के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधाजनक सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रक के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में कब 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे हम लोग मीटर पद्धति कहते हैं। वर्ष 1790 में कब 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे हम लोग मीटर पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मात्रक मात्रकों को के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है, उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली करते हैं। इसका एसआई मात्रक है, ठीक है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, मीटर पैमाना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। इसमें आपको ज्यामितीय बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है नीचे चित्र में। प्रत्येक मीटर एम को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम लोग सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें हम लोग मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। याद रखना, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक प्रमाणों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं। लंबाई को ऐसे ही मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हम दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। बात करते हैं लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने वक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाइयां, जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई, आपके लिए अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं। देखा होगा आपने, आपके बॉक्स में ये निकलता है, ठीक है। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदेश रखिए। कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ऐसे प्रकरण में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक, जैसे 1.0 सेंटीमीटर, काम में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 8.2 में एक सिरे का पाठ्यांक 0 सेंटीमीटर, इस तरह।
माप लेने के लिए आंखों की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। आपकी आंख जिस बिंदु की माप ली जानी चाहिए उसके ठीक सामने होनी चाहिए, स्थिति बी। सही स्थिति में ध्यान दीजिए कि बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर स्थिति पर है। स्थिति ए और बी से में पाठ्यांक भिन्न हो सकता है, तो क्या होगा? बी स्थिति सही है। ठीक, बात करते हैं क्रियाकलाप 3। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बलिस्तों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बलिस्तों से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इस प्रकार मापने के लिए कहिए कि सभी प्रेक्षण सारणी 3 में लिखना है। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों को ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के वलिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए, जिसमें सभी मापे मानक पैमाने द्वारा ली गई हैं। एक परिणाम एक दूसरे से बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर हैं? यदि नहीं, तो आपके विचार से यह अंतर क्यों? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बलिस्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे। यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को मापने में जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। बात करते हैं हम लोग किसी वक्र की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, वक्र रेखा AB इस तरह, ठीक है, कि लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे की पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु A पर रखिए। अब धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग की को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, अपने दूसरे हाथ से धागे के और दो थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचिए। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई होगी। हमने देखा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियां तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुओं के बारे में जानते हैं। उन सभी वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी हैं। घर, एक उड़ती चिड़िया, घड़ी, घड़ी आपकी चलती हुई, घड़ी में सेकंड की सुई। सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हैं बनाइए। इनमें से कौन गतिशील और कौन विराम में है? आपने कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में अथवा विराम में? आपने यह देखा हुआ कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां चींटियां हों। इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी सीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की सीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की सीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट
छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए, जैसे जैसे इस तरह, ठीक, जैसे जैसे कागज पर रेंगती जाए आप स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाइए। कुछ समय के पश्चात कागज की सीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटियां हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हम हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहां कहां गति की है को दर्शाता है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है, क्या आप ऐसा नहीं मानते? क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा है? क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? नहीं। क्या आप अब इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयाँ कैसी गति करती हैं? क्या इनकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी हो? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियाँ देखते हैं जिनसे हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। गति के प्रकार क्या देखते हैं? गति के प्रकार, आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? सोचना। इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। इन सभी उदाहरणों में हमने क्या देखा है कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, देखिए, एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए, अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान है। इस प्रकार की गति को हम लोग वर्तुल गति कहते हैं। ये आपकी कुछ वस्तुएं वर्तुल गति की, ठीक, ये आपने जरूर देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में, शायद अब कहीं अपवाद के रूप में अगर रह गया हो तो ही है, लेकिन अब लेकिन सब कुछ बंद हो गया है। ठीक है, पहले चलता था, इसे क्या कहते हैं? वर्तुल गति। सीधी रेखा में जो गति होती है सरल गति, और जो अपने चारों ओर इस तरह से घूमते रहते हैं उसे हम लोग वर्तुल गति। बिजली के पंखी की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। बिजली की का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे तथा अथवा घड़ी केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान होगी। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय में के अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती, इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की आवर्ती गति का एक उदाहरण है। ठीक, वृक्ष की शाखाएं इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों की झिल्ली की गति, ये सभी आपकी आवर्ती गति के उदाहरण हैं जिनमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया था।
आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपने इसी अवस्थिति पर रहती है, जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। ऐसा क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ सुई आवर्ती गति कर रही है? क्या आपने फर्श की पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरलरेखीय गति के साथ साथ घूर्णन की गति भी करती है। क्या आपने ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल खाती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा भी की है। हमने देखा है कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को दूरी मापने द्वारा मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परिता चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में दुर्देश का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक प्रकार स्थापनों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा है इस अध्याय में, अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा तो देखा होगा तो वर्तुल गति की परिभाषा समझ में आ गई होगी, दूरी की परिभाषा समझ में आ गई होगी, मापन की परिभाषा गति, आवर्ती गति, सरल रेखीय गति, ऐसाई मात्रक, मापन के मात्रक। ठीक है, अगर नहीं आपको समझ में आया तो एक बार और देखिए, फिर आपका सारांश। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के किसी के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी तथा इसलिए किसी एक मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई। हम मात्रकों को की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक मीटर है। सरल रेखा की अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुक गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन हैं। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। बहुत ही सरल है, अगर आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ें तो आराम से आपको हो सकता है। तो ये हमारा 10वां चैप्टर खत्म हो गया। आगे देखेंगे प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन के बारे में। ठीक।